हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की ITR आपने फाइल कर दी है, लेकिन आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिली है, तो इसकी रिप्लाई आपको कैसे करना है? डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आपको क्यों इशू की जाती है? डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? और आपको यदि नोटिस मिली है तो ये आप कैसे पता करेंगे? इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको ये नोटिस मिलती है तो आप इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके तीन तरीका है। सबसे पहला तो यह है कि आपको SMS भेजा जाएगा, कि दूसरा आपको ईमेल भी रिसीव होगा, और तीसरा है कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे भी इसे चेक करना है। आपको मैसेज भेजा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो ITR है वो डिफेक्टिव मोड में चली गई है, और आपको इसे मेल किया गया इस नोटिस को, और आप उस मेल को ओपन करिए, देखिए, और उसके बाद उसकी रिप्लाई आप करिए। तो दोस्तों, सेक्शन 139(9) डिफेक्ट रिटर्न्स की नोटिस जब आपको मेल पे मिलती है तो आप जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये नोटिस दिखती है, और आपको कब तक रिप्लाई करना है इसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो आपको जब ये ईमेल मिलता है तो आपको तुरंत इनकम टैक्स पोर्टल पे इसे चेक करना है कि ये आपको नोटिस जो मिली है ये सही है या नहीं सही है। डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, देन आपको ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपको नोटिस कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो भी ITR आपने फाइल की होगी उसका यहाँ पे टाइप दिखाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मेंशन करेगा, और यहाँ पे आपको व्यू नोटिस और ऐड और व्यू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों ऑप्शंस आते हैं। तो आपको इस व्यू नोटिस पे क्लिक करके अपने नोटिस का स्टेटस आपको देख लेना है कि क्यों आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस इशू की गई है। तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस क्यों इशू की जाती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो कुछ कॉमन रीजंस जो कि होते हैं जिसके वजह से आपकी ITR डिफेक्टिव मोड में चली जाती है। जैसे कि पहला रीजन यह है कि 26AS और AIS/TIS में जो भी आपकी इनकम रिपोर्ट की गई है उसको आपने ITR फाइल करते समय उस इनकम को आपने शो नहीं किया। दूसरा यह है कि शोइंग इनकम अंडर रॉन्ग हेड। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, और आपने इस इनकम को क्या किया हुआ है कि किसी गलत हेड में आपने रिपोर्ट कर दिया है। मान लीजिए कि आपने सैलरी वाले हेड में आपने डाल दिया है, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है तो उसको आपने अदर सोर्सेस में डाल दिया है, तो आपकी जो भी इनकम है उसको आपको करेक्ट हेड में दिखाना है। इसका नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम एज पर 26AS/AIS/TIS नॉट मैच्ड विथ ITR। तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आपके 26AS/AIS/TIS के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 26AS में जो भी आपकी इनकम है, जो टोटल उसका ग्रॉस टोटल इनकम है वो कुछ और है, और अपनी ITR में जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम रिपोर्ट की है वो कुछ और है। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा तो भी आपकी ITR डिफेक्टिव मोड में चली जाएगी। इसके बाद होता है रॉन्ग डिडक्शन क्लेम। 80C से लेके 80U तक के जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है, ITR फाइल करते समय लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि जिस डिडक्शन के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं वैसे डिडक्शन को भी क्लेम करके अपनी इनकम को घटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके और उनको रिफंड मिल सके। तो दोस्तों, जिस डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं उस डिडक्शन को आप क्लेम ना करें। नेक्स्ट है रॉन्ग अलाउंस क्लेम इन ITR। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके फॉर्म 16 में जो भी अलाउंसेस का डिडक्शन उनका एम्प्लॉयर क्लेम करा देता है, इसके बावजूद भी लोग अपनी इनकम को घटाने के लिए गलत सलत तरीके से अलाउंस वहां पे क्लेम करते हैं, जिसके वजह से भी कि आपकी ITR डिफेक्टिव मोड में चली जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप 26AS अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलता है टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। ये अमाउंट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है जिसपे कि TDS डिडक्ट किया जाता है। तो ITR जब भी आप फाइल करें, यहाँ पर जो ग्रॉस इनकम है, जो अमाउंट आपको पे किया गया ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपको अपनी ITR में रिपोर्ट करनी है। और 26AS में ऐसे ही इनकम केवल रिपोर्ट होते हैं जिसपे कि TDS और TCS कटा हुआ है। जो रिमेनिंग आपके इनकम होते हैं, जैसे कि सैलरी पे, जैसे कि आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हो गया, या फिर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करा, उसको सेल आउट किया, उस पर कैपिटल गेन आपको हो रखा है, तो दोस्तों आपको ये इनकम भी अपनी ITR में लेनी है, जिसकी वजह से कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो सके AIS से और 26AS से मैच
हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस मिल चुकी है और आपको इसकी रिप्लाई कैसे करनी है, तो देखिए रिप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही मोड में इसका रिप्लाई करना होगा। इसके लिए कुछ तरीका है, जैसे कि वहाँ पे जब आप नोटिस अपना ओपन करते हैं, अभी हम देखेंगे ऑनलाइन किस तरीके से आप इसकी रिप्लाई करेंगे। तो आपको एग्री डिसएग्री का ऑप्शन मिलता है, 15 दिन के अंदर जिस डेट को आपको नोटिस मिलती है उसके 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना होता है। यदि आप डिसएग्री करते हैं तो आपको वहाँ पर जस्टिफाइड रीज़न देना पड़ता है और वहाँ पर 99% जो आपकी ITR है वो इनवैलिड ही होती है, इवन कि आपने उसको एग्री पे क्लिक कर दिया है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस इशू करता है तो वो 99% सही होता है। तो आपको यहाँ पे 100 बार सोचना है डिसएग्री पे क्लिक करने के लिए, क्योंकि आपको जो रीजंस या रिमार्क्स देना है एकदम सही देना है। और इसके बावजूद भी 99% केसेस में आपकी ITR इनवैलिड ही होती है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको एग्री बटन पे क्लिक करके उसका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से आपको करना है। तो यदि आप एग्री बटन पे क्लिक करते हैं तो डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस की रिप्लाई XML फाइल में ही होती है, यानी JSON फाइल में होती है। तो JSON फाइल को जनरेट करने के लिए, XML फाइल को जनरेट करने के लिए दो तरीके की यूटिलिटी अवेलेबल हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, एक होता है जावा यूटिलिटी और दूसरा होता है एक्सेल यूटिलिटी। तो इन दोनों ही यूटिलिटी के माध्यम से आप XML फाइल को जनरेट करेंगे और उसके बाद आप इसकी रिप्लाई को सबमिट करेंगे। दोस्तों डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस की रिप्लाई करने के लिए अगेन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, पेंडिंग एक्शंस में जाना है, ई प्रोसीडिंग पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से नोटिस आपको रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24 और 25 लिखा हुआ मिलेगा आपको और यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस, और आपको यहाँ पे व्यू नोटिस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक DIN नंबर दिखेगा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यहाँ पे आपको जिस डेट को आपको नोटिस इशू की गई थी यानी कि आपके ईमेल में नोटिस मिला था उसका डेट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स का ड्यू डेट यानी कि आपको कितने दिन के अंदर इसका रिस्पांस करना है। तो जनरली 15 दिन के अंदर आपको इसका रिस्पांस करना होता है, जिस दिन आपको यहां पे सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपके ITR में डिफेक्ट है, जो गलती हुई है, वो आपको यहाँ पे शो कर देता है, जो भी एरर है जिसके वजह से कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस इशू की गई है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका 26AS में जो भी इनकम रिपोर्ट की गई है या AIS और TIS में रिपोर्ट की गई, वो आपके ITR से मैच नहीं कर रही है, जिसके वजह से कि ये रीजन यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो आपको ITR क्या करनी है, करेक्ट करनी है 26AS और IS/TIS के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है एग्री और डिसएग्री का। तो देखिए यदि आप इसको डिसएग्री करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर रिमार्क्स देना पड़ेगा कि किसके वजह से आप डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि यदि आप डिसएग्री भी करते हैं तो भी आपकी ITR यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको सही मान लिया जाएगा, वो इनवैलिड ही रहेगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप इसको एग्री पे क्लिक करके जो भी रीजन यहाँ पे दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लें, अपनी ITR को ओपन करके आप उसको देख लें कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस की रिप्लाई करने में, इसके बाद उसको रिवाइज करने में, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप यहां पे एग्री बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको मोड ऑफ रिस्पांस देखिए बोल रहा है, यहां पे आपको ऑनलाइन मोड नहीं दिखेगा, आपको ऑफलाइन ही इसे रिस्पांस करना पड़ेगा। तो आप यहां पे सिंपली ऑफलाइन यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट ITR टाइप बोल रहा है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ITR शो कर देगा। यदि आपके ITR 1 में कोई दिक्कत है तो फिर आप ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने ITR 1 फाइल कर दिया और आपके AIS में जो है कैपिटल गेन की इनकम दिख रही थी, जैसे कि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड की, लेकिन आपने उस इनकम को इग्नोर कर दिया, आप अपने ITR में नहीं ले पाए। ऐसे केस में अब आपको ITR 2 फाइल करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने पहले ITR 1 फाइल किया था जिसकी वजह से डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आई थी, तो अब आप ITR 2 को भी फाइल कर सकते हैं। तो यहां से आपको ITR फॉर्म अपना सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहां पे देखिए ऑप्शन बोला है अटैच ITR फाइल। अब आपको JSON फाइल यहां पे जनरेट करना है, तो आपको जनरेट करने के लिए दो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। सबसे पहला तो ये कि आप एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर लें या फिर जावा यूटिलिटी को आप डाउनलोड कर लें।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक। तो आपको यहाँ पे यूटिलिटी जो जावा बेस्ड यूटिलिटी है, यदि आप उस पर अपना XML फाइल JSON फाइल को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों जावा यूटिलिटी इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे नॉर्मल आईटीआर अपनी आप फाइल करते हैं वैसे जावा यूटिलिटी में भी आपको आईटीआर अपनी प्रिपेयर करनी पड़ती है। वहां पे आपको एक विशेष जो चेंजेस आपको करना पड़ता है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि फाइल इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) आपको सेलेक्ट करना है, जो कि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के लिए ये सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख जाएगा, ये नंबर आपको वहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको डेट यहाँ पे इंटर करना है, डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था जिस डेट को, वो डेट आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि डीन नंबर आपको यहां पे एंटर करना है। दोस्तों यहां पे जो डीन नंबर आपको पता करना है तो आप सिंपली अपने नोटिस को ओपन कर लेंगे, यहां पे व्यू नोटिस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको डीन नंबर देखिए मेंशन है, ये डीन नंबर आपको वहां पे जाकर के एंटर कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ सच नोटिस, जिस डेट को आपको नोटिस मिला उसका डेट आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको यहां पे टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में इसको फाइल करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए यस करेंगे, न्यू टैक्स रेजिम के लिए नो पे क्लिक करेंगे। इतना आपको यूटिलिटी के लिए, जो जावा यूटिलिटी आपकी है उसमें आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। यदि आपको एक्सेल यूटिलिटी में अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी है तो आपको यहां से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको आईटीआर 1 प्रिपेयर करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यदि आपको एक्सेल यूटिलिटी में अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी तो यहां पर आपको कुछ चेंजेस जो करने हैं, जैसे यहां पर आपको फाइल अंडर सेक्शन में 139(9) यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ओरिजिनल रिटर्न का इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पे बगल में ही आप देखेंगे तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न दिख रहा है, तो यहां से आपको डेट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि नीचे आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल रहा है इंटर करने के लिए, तो यहां पे आप इस वाले कॉलम में आएंगे तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल्स आपको एक्सेल यूटिलिटी में भी मेंशन करना होगा, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी है और देन आपको XML फाइल या JSON फाइल आपको यहां से भी जनरेट करना है। यदि आप जावा यूटिलिटी के थ्रू अपनी XML फाइल या JSON फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में आप लास्ट में जब जाएंगे तो यहां पे आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा और यहां से आपको डाउनलोड JSON पे आपको क्लिक करना है। वैसे आप एक्सेल यूटिलिटी में भी जब अपनी आईटीआर को प्रिपेयर कर लेंगे तो लास्ट में आपको डाउनलोड JSON का ऑप्शन मिलता है, आप वहां से भी JSON को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको नोटिस वाले सेक्शन में आना है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। यहां पे आने के बाद आप अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आईटीआर आपने प्रिपेयर करी है, चाहे एक्सेल यूटिलिटी में या फिर जावा यूटिलिटी में, अब आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन मिला तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जो भी आपका XML फाइल आपने प्रिपेयर किया उसको आपको यहाँ से अटैच करके देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबा करके और इसको आपको अपलोड करा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस की रिप्लाई दे सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।